मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल का पैरोकार हूँ, उसकी इत्तबा करने वाला हूँ और उसकी इताअत करने वाला हूँ। ठीक, आप इस मामले में यकीनन पूरे होंगे और इस दावे में आप सच्चे भी होंगे। इस रास्ते से शैतान तो आप पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर अखलाकी खराबियां पैदा करेगा, आपसे झूठ कहलवाएगा, आपसे गीबत करवाएगा, आपको मजबूर करेगा कि आप गुस्से में आएं और गाली दें, आपके जिंदगी में गुरूर और तकब्बुर के बीज बोने की कोशिश करेगा। एक रास्ते पर आप शैतान को तो पछाड़ दोगे, तौहीद के रास्ते से पछाड़ दोगे, इत्तबा और इताअत के रास्ते से शैतान को तुम पछाड़ सकते हो, लेकिन नाज़रीन कराम वहीं पर आपको चाहिए आप अपने अखलाक के जरिए भी शैतान का मुकाबला करें।